उनका सवाल ये है कि इंडिया ने 7,500 करोड़ इंडियन रुपी का दोबारा से रिसेंटली लोन दिया है श्रीलंका को, एक बार फिर से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अगर उन्होंने श्रीलंकन की हेल्प की है, हमें पाकिस्तानियों ने भी की है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग ट्रेड करते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ, उनकी हेल्प करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ हुबुल वतनी है कि आप लोग दूसरों का हेल्प कर रहे हैं। और इंसानियत सबसे बढ़कर आती है कि अगर आप श्रीलंका का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, किसी का भी साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होती जा रही हैं या वो इतना अमीर कंट्री होता जा रहा है कि हर कंट्री उसको ही सपोर्ट कर रहा है, क्या वो कर्जे दे रहा है? क्या कहेंगे कि वो बहुत अमीर कंट्री हो गया? बिल्कुल हो रहा है तो कर्जे दे रहा है ना, अगर ना हो रहा तो कर्जे ले रहा होता। उसकी बेसिक जो रीज़न है ना, उसकी आवाम है, उसकी आवाम अपनी जमहूरियत, अपने लोगों, अपने वज़रा के साथ है, उन पर इतमाद कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है। इंडिया की जो लोग हैं या जो उनके वज़रा हैं, वो अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हैं, आवाम का सोच रहे हैं, तो उनकी आवाम भी उनको अच्छा रिस्पांस दे रही है, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ में जाने के बजाय अपने मुल्क में लोगों को आने का प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से वो लोगों को कर्जा भी दे रहे हैं और अपने मुल्क में वो खुशहाली ला रहे हैं। और इंडिया इसी वजह से आईटी लेवल में देख लें, हर चीज़ में देख लें, इंडिया बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, और इसका सारे का सारा क्रेडिट उनकी अपनी आवाम को जाता है। सही हो गया। तो सर आज क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज के डेट में? बिल्कुल, हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए, हमें अपने अपने आवाम का साथ देना चाहिए। हमारे जो बच्चे जो एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन हासिल करने के बाद बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं, वो अपने मुल्क में रहें, उनको ज़राए दिए जाएँ और उनको वो फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाएँ, ताकि वो अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करें। यकीन माने, अगर हमारे बच्चे जो हैं वो बैरूनी मुल्क ना जाएँ और मुल्क में रहकर काम करें, तो आज पाकिस्तान भी नंबर वन पर आ सकता है, क्योंकि अगर आप फैसिलिटीज़ देंगे तो आवाम ज़रूर अवेल करेगी और आपकी गवर्नर से लोग खुश होंगे, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, ना कि किसी और मुल्क में जाने की प्रेफरेंस देंगे। जी बड़ी अच्छी बात है, इंडिया के पास नोट हैं, माशाल्लाह बूस्ट उनकी एनर्जी कर रही है, उनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर से ऊपर जा रही है, तो उनको देना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ आलत वाले होर माड़े ने उन्होंने भी देना चाहिए, जो कोई कबूल कर ले, तो नहीं लेना चाहता तो कोई ना लवे, लेकिन उन्होंने श्रीलंका को दिया है, ये तो बहुत कमाल कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका के साथ कोई लास्ट टाइम उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने श्रीलंका की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए उधार दिया है, बल्कि उन्होंने वापस लाई लड़े, उन्होंने कहा क्या रख लो तुम थोड़े ही नहीं, उन्होंने देने ने, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होती है किसी मुल्क को स्टेबल करने के लिए। कोई इंटरेस्ट भी नहीं, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत गुड है, शाइन इंडिया, फाइन इंडिया, ग्रेट इंडिया, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ कि अपने हमसाए माए जाए गवंडी का ख्याल कर दे इंडिया, क्या क्या नहीं, वारे वाह। क्या इंडिया इतना अमीर हो चुका है कि वो और कंट्रीज की भी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी लोन दे रहे हैं? देखो जी, बात तो बड़ी अच्छी है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को लोन दे रहा है, लेकिन उनके अपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि वहाँ पे जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो उनकी अपनी इन्फ्लेशन है और 130 करोड़ के करीब उनकी आबादी है, तो उनके अपने भी बहुत सारे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने दूसरे हमसायों का भी ख्याल करता है और उनकी जो इकॉनमी है डिस्टर्ब है उनको हेल्प आउट भी कर रहा है, तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया का। तो सर क्या इंडिया आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री है? डिप्लोमेट कंट्री है डेफिनेटली। देखें, वो पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, मेरा ख्याल है कि अगर ये रिलेशन भी अच्छे हो जाएं तो डिप्लोमेसी जो है वो बामे रूज पे पहुंचेगी। बाकी बात ये है कि बंदे को डिसीजन टाइम पर लेना चाहिए, चाहे वो यूक्रेन वार का हो या दूसरे ममालिक से आपके रिलेशंस का, अब उसके लिए डिपेंड करता है कि आप टाइम पे डिसीजंस लें और मोहब्बत का, सुलह का, अमन का, शांति का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए, तो प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और जो उनकी डिप्लोमेसी है वो ऑलरेडी दे आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वही हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो है सिर्फ अफगानिस्तान को इसने एक बार कर्जा दिया था, तो उस पर भी उनको काफ़ी बातें सुनने को मिली हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की जानिब से, और हम हमेशा कर्जे लेते ही हैं हम, क्या वजह नज़र आती है कि इतना एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान जो है बड़े कर्ज़ों पर कर्ज़े ले रहा है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहूँगा जी, अल्लाह की मेहर बड़ी नल्ला से भी लोगों को कर्जे देने सन, हमारा भी ये प्लान था, हमारा भी इरादा था कि हम लोगों को कर्जे दें, मुल्कों को कर्जे दें, लेकिन हमें कर्जा ही कर दिया,
उत्थे हामद करजाई सी ते असी आप करजाई हो गए। उसकी वजह यह है साडे कोल लोकां ने इन्ना क माल लुट के ते स्विस बैंकां दे विच भरिया, इन्ना क पैसा लुट के लै गए ने। असी लोकां नूं कोई देना वा? असी ते अपने कर्ज लाण टुरे होए हैं, लोकां ते टैक्स लग रहे ने, मसाइल बने हुए ने, परेशानी ने, दुख ने, टैक्स रेवन्यू कलैक्ट करन डए हैं। साडा पैसा लुट के लोग बाहर जो निकल गए ने, असी किसी नूं की देना सी? साडा ते अपनी जेबां फाट गई, साडा ते अपना माल धरो करके लै गए। तो सर, क्या आज की डेट में हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? जिस हिसाब से वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को, जिस तरह वो हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रख कर चल रहे हैं, नहीं इंडिया को सीखने की लोड़ की है? सानू अपने आप को सीखना चाहिए कि असी करन की डे हैं, तो असी यह भी किसी के पिछले लकीर के फकीर बनना वा। अगर वो अच्छा कर रहा तो बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया, यदि तो कोई शक वाली गल नहीं, लेकिन सानू भी तो कोई बंदे के पुत्र वाला काम करना चाहिए ना। सानू भी ध्यान करना चाहिए वा कि असी अपने आप को स्टैबलिश किस तरह करना है, स्टेबल किस तरह करना है, तो हालातों वाकयात मुकाबला किस तरह करना है। असी लाजमी तो नहीं कि इंडिया ही मुकाबला करना है, सुबहान अल्लाह, असी कोई अपना कोई चंगा काम कर लीए कि जिद आवाम का भला हो, साडा वतन तरक्की करे, पाकिस्तान की इकोनमी बेहतर हो जाए, कर्जिया का मैं क्या भार घट जाए, लेकिन असी अपने कर्जे चुक चुक के मोढ़े जोड़े ने दूर कर लेने, तो असी किसी को देना? अल्लाह की मेहरबानी ने असी लै लिया कि अपने ठूठा भरन डे हैं, जोड़ा भरिया वा वो भी देन डे हैं, बस ये चु नहीं निकल डे। अस आपा पै गया, हाँ जी, अल्लाह खैर, शुक्रिया। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करना चाह रहा है विद दी अदर कंट्रीज़, तो इस वजह से वो चाहेगा कि मेरा अपर हैंड रहे उन कंट्रीज़ पे जो के इस टेरिटरी में है। दैट्स वाई इंडिया की पोजीशन ओवरऑल भी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। इंडिया इतना अमीर कंट्री बन चुका है कि आज की डेट में वो दूसरी कंट्रीज़ को लोन दे रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन ओवरऑल एशिया में बहुत बेहतर है, जैसे कि आप देखें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ईरान, जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, और वो इन सब नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत ऊपर है। इस वजह से उसकी इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए वो दे तो सकता है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करे इस पूरे सिनेरियो में? पाकिस्तान तो दूसरे कंट्रीज से कर्जे ले रहा है, ठीक है, और हमने अफ़गानिस्तान को लोन दिया, उधर से भी हमें बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिली, ठीक है, और उसके अलावा हम कि मतलब दूसरी कंट्रीज से लोन लेते हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले? पाकिस्तान अब लोन के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि इनको प्रीवियस डेफिसिट मीट करने के लिए भी आगे लोन रिक्वायर होता है। क्या वजह नज़र आती है कि एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है? इंडिया ने बहुत मेहनत की है, मतलब आप देख लें आईटी में, इंजीनियर्स सिविल में, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है, मतलब इतने लोग ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है जितने NRI हैं बाहर, मतलब उन्होंने ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान ने ख़ुद को इम्प्रूव नहीं किया। सर, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज?